हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पहले भी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 महीने के बच्चे के विकास के बारे में। जी हाँ, न्यू पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बच्चे की हर मंथ नई नई चेंजेस देखते हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू पेरेंट्स के लिए, बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि 2 मंथ की बेबी में क्या क्या चेंजेस उन्हें विजिबल होंगे। देखिए, जैसे ही बच्चा आपका 2 महीने का हो जाए तो कुछ चेंजेस जो है वो विजिबल होने लगती हैं। जैसे आपके बच्चे का वज़न, ये आपका 1 से 1.5 kg आराम से बढ़ जाता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि बच्चे की जो सोने की पैटर्न है वो अब थोड़ी चेंज हो गई है। बच्चे अब थोड़ी लंबी देर तक जगे रहते हैं और वो जब सोते हैं तो एक स्ट्रेच में थोड़ा लंबा सोते हैं। जैसे पहले क्या था, हर 2 घंटे 1 घंटे पे उठ जाते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे अगर आप नाइट पे उन्हें फीड कराते हैं तो 3 से 4 घंटे वो सोते हैं, फिर वो फीडिंग के लिए उठते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आप 2 महीने होते होते विजिबल होने लगते हैं। इसके अलावा आप नोटिस करेंगे बच्चे हाथ पैर काफ़ी तेज़ी से मारते हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है, बिकॉज इससे क्या होता है, बच्चों की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनका विकास होता है, बच्चे को होल्ड करना अब आसान हो जाता है। इसके अलावा बच्चे को आप देखेंगे कि वो कोई ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को देख के उस तरफ देखता है या कोई साउंड को देख के उस तरफ नोटिस करता है। तो ये एक साइन है जिस पर आपको ध्यान देना है। आपको रैटल उनके साइड में प्ले करना है, आपको देखना है कि बच्चे उस तरफ देखते हैं या नहीं देखते हैं, या फिर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट उनके आँख के सामने रखें और देखें कि बच्चे उसे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। बिकॉज होता क्या है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनकी जो विज़न होती है, उनकी जो देखने की क्षमता होती है, वो 8 से 15 cm तक ही रहती है, और बच्चे सिर्फ काला, सफ़ेद और ग्रे कलर को देख सकते हैं। अभी उनकी जो विज़न होती है थोड़ी धुंधली होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो विज़न उनका क्लियर होता है। तो 2 महीने से 3 महीने के बीच बच्चे को ना थोड़ा सा विजन क्लियर हो जाता है। अब वो प्राइमरी कलर्स देख सकते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन देख सकते हैं, शेप्स एंड साइजेस देख सकते हैं, अपनी माँ का चेहरा देख सकते हैं। तो अभी क्या होगा, एक बॉन्डिंग सा डेवलप होगा। अब बच्चे आपको पहचानने लगते हैं, अपनी मदर को थोड़ा थोड़ा पहचानने लगते हैं, उन्हें देख के मुस्कुराते हैं, वो रिएक्शन देते हैं, वो कई तरह की आवाज़ें भी निकालते हैं। इसीलिए मैं सलाह देती हूँ कि बच्चे जब छोटे रहे 1 से 2 महीने, तभी से आप बोलने की शुरुआत करें, बच्चों से बातें करें, बोल बोल के खेलें, कुछ भी बोल सकते हैं, क्लैप क्लैप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे आपकी जो ओट है उसका देखते हैं, कैसे आप घुमा रहे हैं, कैसे आपकी आवाज़ आ रही है, तो बच्चे भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं इसके अलावा एक चीज़ आप कर सकते हैं, बच्चों की जो भी आपने झूला खरीदा होगा, बेड खरीदा होगा, उसके ऊपर एक मूविंग रैटल रख दें। उसमें क्या होता है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहते हैं डिफरेंट कलर्स के, साइज़ के, तो बच्चे उन्हें देखते रहते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये कुछ चेंजेस है जो 2 महीने होते होते आपको विजिबल होने लगती हैं। इसके अलावा आप नोटिस करेंगे अब बच्चे को थोड़ी सी ज़्यादा ताकत आ गई है। जैसे पहले आप होल्ड करते थे तो बहुत ज़्यादा घबराते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे बच्चा भी थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा बच्चे को धीरे से कंधे पे रखना भी शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चेंजेस 2 महीने ख़त्म होते होते 3 महीने की शुरुआत में आने लगती है। एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे, बच्चों की गैस बनने की समस्या भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चे को जब भी फीड कराए डकार ज़रूर देना है। अगर लग रहा है कि नहीं, फिर भी डकार दिलाने के बाद भी बच्चे काफ़ी रो रहे हैं, स्पेशली रात के टाइम में प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बिकॉज मुझे याद है आशी जब छोटी थी तो रात में अक्सर वो बहुत तेज़ अचानक से रोने लगती थी, चिल्लाने लगती थी। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, घर के ही कुछ घरेलू नुस्खे हमने यूज़ किए थे। एक चुटकी हींग को हमने 2-3 बूंद पानी में मिला के बच्चों के जो हाथ के नाखून होते हैं, पैर के नाखून होते हैं, और नाभि के चारों, नाभि के ऊपर नहीं, नाभि के चारों ओर आप लगा दें, बच्चों की यू उल्टे यू शेप में थोड़ी सी हल्की मसाज कर दें, बच्चे को कंधे पर रख के पीठ सहलाएं। तो इससे क्या होता है, बच्चे की गैस जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है, और उसके बाद बच्चे काफ़ी आराम से, आसानी से सो सकते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि 2 महीने के बच्चे को तकिया दे या नहीं दे, तो यहाँ मैं सलाह दूंगी बच्चे को एकदम सा ढीला आप जो यू शेप का तकिया होता है वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो सरसों का तकिया होता है बिल्कुल ढीला, ये आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे का जो सिर होता है वो चपटा नहीं होता है। करवट अभी सुलाना आप थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं, लेकिन लंबे स्ट्रेच के लिए ना सुनाएं, थोड़ी देर सुनाएं फिर उनको सीधा कर दें। पेट के बल नींद में ना सुलाएं, बच्चा अगर खुद से पलट के पेट की तरफ खेलना चाहे, गर्दन उठाना चाहे तो ठीक है, लेकिन नींद में उन्हें पेट के बल ना सुलाएं। बिकॉज अभी क्या होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, तो हो सकता है उसकी नोज़ जो है वो दब जाए, सांस में प्रॉब्लम हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो ये होती है बच्चे की 2 महीने की जर्नी। इसके अलावा बच्चे जैसे ही 3 महीने के होने लगते हैं तो उसके बाद वो पलटना शुरू करते हैं, 4 महीने होते होते वो थोड़ा थोड़ा बैठना शुरू करते हैं, हम उन्हें सपोर्ट से बिठाने लगते हैं, और साल भर होते होते वो चलने लगते हैं। तो न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत ही एक्साइटेड मोमेंट होता है। तो इन सारे मोमेंट्स को अपने घर में कैप्चर ज़रूर करें। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉमीज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।